आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बाजारों की चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी की कि आज किस कॉमोडिटी में तेजी बनेगी या मंदी देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटी की, जिसपे हमारे साथ जुड़ गई हैं मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी। रूपा जी आपका स्वागत है। बात करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटी में कि सबसे पहले हम सोने चांदी की बात करें तो आज MCX पर सोना जून वायदा 50,415 पर कारोबार कर रहा है और वहीं MCX पर चांदी 61,343 पर कारोबार कर रही है। आज सोने चांदी का बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, तो रूपा जी आगे कैसा रहेगा सोने चांदी का बाजार? देखिए, सोने चांदी की जहाँ तक बात की जाए तो सोने चांदी में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आज जरूर मार्केट थोड़ी सी समझते हुए सुबह के कारोबारी सत्र में दिखाई दे रहे थे और माना ये जा रहा था कि अब यहाँ से $1,840 तक एक बार गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है और अभी 50,000 के ऊपर हम इसमें ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, तो काफी जो है एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी कहेंगे कि लौटती हुई दिखाई दी है और एक बार फिर से इन्वेस्टर्स ने इसकी तरफ रुख किया है। और आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50,600 तक ऊपर जा सकता है और आज हमने 580 तक का इसका हाई लगते हुए देखा है। अब यहाँ से अगर देखिए सस्टेन करके आज 50,000 के ऊपर तो अगेन जो है कल हमें 50,800 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी खरीदारी लौटी है और एक बार चांदी फिर तेजी के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है तो 61,800 तक चांदी में भी स्तर देखने को मिल सकते हैं कल के कारोबारी सत्र में। तो मेरे हिसाब से सोने चांदी में अभी शॉर्ट टर्म रैली के अंदर बाइंग पोजीशन देखने को मिल रही है, तो अभी बाइंग में रहना चाहिए और ये लेवल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं जी। अगर हम बात करें कच्चे तेल की तो आज क्रूड ऑयल 8,738 पर कारोबार कर रहा है और कच्चा तेल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है रूपा जी? देखिए, कच्चे तेल में भी अभी रुझान जो है वो पॉजिटिव बनता हुआ देखने को मिल रहा है और कच्चा तेल भी तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि कच्चे तेल में 9,000 तक के स्तर संभव है कि देखने को मिल सकते हैं। सेम लेवल्स अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में आ सकते हैं और $100 के ऊपर की जो तेजी है वो सस्टेन हो सकती है और मुझे लगता है कि अभी यहाँ से $120 तक कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट्स में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एक बार बाइंग बनाई जा सकती है और 9,000 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है जी। तो जैसा रूपा जी ने बताया कि $120 के ऊपर भी ये कारोबार करता कच्चा तेल दिख सकता है। चलिए अगर हम बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस MCX पर 630 पर कारोबार कर रही है, तो रूपा जी आपको क्या लगता है नेचुरल गैस की कीमत 650 का स्तर छू पाएंगी? देखिए, बिल्कुल, मैंने सुबह भी यही बताया था कि इसमें 660 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में जा सकते हैं। 660 से 680 तक का स्तर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिले, क्योंकि अभी डिमांड और सप्लाई को लेकर काफी चिंताएं देखने को मिल रही हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिस तरीके से फैलती जा रही है इसके मद्देनजर एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल गैस 660 से 680 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी बेस मेटल की बात करें तो आज कॉपर 766 पर कारोबार कर रहा है और जिंक ये 315 पर कारोबार कर रहा है, तो आज बेस मेटल में तेजी बनी हुई है या रूपा जी आपको क्या लगता है बेस मेटल का बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, बेस मेटल में तेजी का रुझान बना हुआ है और बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। कॉपर में एक्सपेक्टेड है कि 780 तक की अपसाइड मोमेंटम बन सकती है और जिंक 320 से 322 तक ऊपर जा सकता है, तो फिलहाल के लिए बेस मेटल्स में भी खरीदारी करके चला जा सकता है जी। तो बेस मेटल्स में भी आगे खरीदारी करके चल सकते हैं। तो रूपा जी आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि अब नॉन एग्री कमोडिटी में आगे क्या कुछ देख मतलब करके चला जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, नॉन एग्री कमोडिटीज में मेरे हिसाब से कच्चे तेल में फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है, कच्चे तेल में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तो ये तो हमने बात की नॉन एग्री की, अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैस्टर सीड की, तो आज कैस्टर सीड का जून वायदा 7,516 पर कारोबार कर रहा है, कल की अपेक्षा आज हल्का सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है रूपा जी? देखिए, एक बार कमोडिटी तो रही है कैस्टर सीड में देखिए फिलहाल मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है और आज हमने देखिए पहले भी हमने जो लेवल्स देखे थे उस लेवल से ही करेक्शन आई थी और आज भी वही लेवल से हमें करेक्शन अगेन देखने को मिल रही है। सुबह मार्केट पॉजिटिव था लेकिन अभी शाम में फिर से गिरावट बढ़ती दिखाई दे रही है
और एक्सपायरी भी है करंट वायदा की, तो जून की अगर बात करें तो 7500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिसल सकता है नीचे में मार्केट और एक बार हो सकता है आपको अगेन 7200 तक के स्तर देखने को मिले। अगर 7500 के ऊपर सस्टेन रहता है मार्केट तो एक बार तेजी देखने को मिल सकती है और ऊपर से 7600 से 7800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, अगर कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो कपास खली में ये 2862 रुपए पर ही कारोबार कर रहा है आज, तो रूपा जी आपका क्या कहना है इस पे कपास खली? देखिए कपास खली की जहाँ तक बात है, कपास खली में अभी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवनेस नहीं है, अभी मार्केट और डिप जा सकती है। रेंज जो रहेगी इसकी 2600 से 3000, और अभी मार्केट जो है थोड़ा बहुत हो सकता है कि कॉटन में आ रही तेजी की वजह से सपोर्ट मिलता दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मेरे हिसाब से कैसर से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। जी, अब अगर हम बात करें मसालों की तो आज धनिये में 1.10% की गिरावट देखने को मिल रही है और जीरे में भी 35 रुपए की गिरावट देखी जा रही है, तो रूपा जी मसालों पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है आपकी इसमें? देखिए जहां तक मसालों की बात है, मसालों में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है और मसाले ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुके हैं, तो देखा जाए तो धनिया में गिरावट आई है, इनफैक्ट बाकी मसालों में गिरावट नहीं है और तेजी का ही रुझान है, तो मेरे हिसाब से अभी मसालों में बाइंग पोजीशन में रहना चाहिए। हल्दी अब यहाँ से देखिए एक करेक्शन आ सकती है हल्दी में, जो की 7800 तक हो सकती है, वहां से अगेन बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो की ऊपर में इसको 88000 से 9000 तक ले जा सकता है, तो मेरे हिसाब से हल्दी में बाइंग रखना चाहिए नीचे निचले स्तरों पर, सेम एज इट इज धनिया और जीरे में भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, जैसा रूपा जी ने बताया कि मसालों में रुझान तेज है, आप इस पे आगे बाइंग करके चल सकते हैं। तो रूपा जी, ग्वार गम का जून वायदा 133 रुपए की तेजी के साथ दिखा है, ग्वार सीड का जून वायदा 44 रुपए की तेजी के साथ दिख रहा है, तो आपका क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही कमोडिटी में तेजी का रुझान है और मैंने लगातार आपके ही चैनल पर और इसी बुलेटिन के माध्यम से बताया है कि ग्वार में खरीदारी करके चलिए और कभी भी 12000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आ सकती है और 13000 से 13500 के स्तर संभव है, तो आज देखिए आप वापिस से मार्केट संभलता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपायरी बेहद करीब करंट वायदा की, तो अगला वायदा भी जो है वो 0.5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है मार्केट, यहाँ से एक बार 12.5 से 13000 का स्तर संभव है देखने को मिल सकता है और सीड 6300 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, अगर प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र के किसानों की मांग है कि प्याज को भी MSP के दायरे पे लाया जाए, तो इस पे आपकी क्या राय है? तो देखिए किसानों की अगर मांग है तो डेफिनेटली प्याज को MSP पर लाने की जरूर उनकी तरफ से मांग की जा रही है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि प्याज की कीमतें तो बढ़ती हैं रिटेल में लेकिन किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिल पाता है, तो अगर इसकी MSP तय हो जाती है तो किसानों के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा कि अगर वो जिनकी जितनी भी क्रॉप है वो एक एटलीस्ट मिनिमम एक प्राइस के ऊपर बिकती दिखाई देगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हर साल हमें ये देखने को मिलता है कि किसान जो है प्याज जो है वो ऐसे ही सड़कों पर फेंक देते हैं क्योंकि उनको प्राइस नहीं मिलता, उनकी लागत नहीं निकल पाती है, और अगर सरकार की तरफ से MSP घोषित किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी और इससे किसानों को एक बूस्टअप मिलेगा और इससे जो है एक उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी लागत है वो निकलती दिखाई देगी, ताकि किसान जो है खेती की तरफ और मोटिवेट होगा कि हमें हमारी जो क्रॉप है उसका एक प्राइस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमें एटलीस्ट इतना प्राइस तो मिलेगा सरकार की तरफ से इस MSP पर खरीद की जाएगी, क्योंकि अभी की जो स्थिति है चाहे वो प्याज हो टमाटर हो आलू हो इस तरीके की जो चीजें हैं पेरिशेबल आइटम्स जो हैं इनके ऊपर अभी कोई भी MSP फिलहाल किसी भी सरकार ने नहीं दी है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं अनाउंस की गई है, अभी अगर मांग की जा रही है तो डेफिनेटली अगर सरकार का ध्यान इसकी तरफ आता है तो ये किसानों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। जी, तो प्याज के साथ सर रूपा जी उड़ीसा के किसान अब दूध पे भी MSP की मांग कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? देखिए दूध के ऊपर MSP के ऊपर तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें वो है, क्योंकि दूध ऐसे दूध के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं गिरते हैं जितने हम पेरिशेबल आइटम्स के लाइक इस तरीके की सब्जियों के गिरते हुए देखते हैं, और दूध की जो बात की जा रही है दूध की तो ऑलरेडी प्राइसेस जो है MSP जो है वो 50 रुपए MSP की शायद बात की जा रही है, तो अप्रोक्सीमेटली उसी के पास हम जो है दूध के रेट देख भी रहे हैं और लगातार दूध बनाने वाली कंपनियां अपने रेटों में इजाफा करती हैं हर साल,
अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिलता है कि प्राइसेस के अंदर चेंज आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अभी फिलहाल कोई आ सकता है ऐसा कोई आदेश। लेकिन हाँ, जहां तक किसानों की बात है, वहां पर हो सकता है कि इन आइटम्स की एमएसपी के ऊपर सरकार कुछ ध्यान दे। जी, खाद तेल की अगर बात करें रूपा जी, तो खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, खाद्य तेलों की अगर बात करें तो पॉजिटिव लग रहा है अभी के लिए मुझे मार्केट, तो खाद्य तेलों में फिलहाल तेजी बनी रह सकती है। जी रूपा जी, गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुझान खत्म होगा या फिर और तेजी बनेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो बैन लगा है इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कीमतों को कंट्रोल करने के चलते विदेशी बाजारों में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उनका इंपोर्ट नहीं हो रहा और इस वजह से वहां पर प्राइसेस जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इजो पाता हुआ दिखाई देगा, एक्सपोर्ट फिर से खुल सकता है और वापसी से जो है वो कीमतों में तेजी आ सकती है। और अभी भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है गेहूं के अंदर, बिल्कुल इसमें पोजिशनें रखना चाहिए और आगे तेजी बन सकती है। जी, तो जैसे रूपा जी ने बताया कि गेहूं में आगे और तेजी बन सकती है, गिरावट की अभी कोई उम्मीद नहीं है, तो रूपा जी आप इस पे क्या टॉपिक्स देना चाहेंगी आज के लिए कि किस में किस कॉमोडिटी में तेजी रहेगी, किस में मंदी देखने को मिल सकती है? देखिए, जहां तक एग्री कमोडिटीज की बात है, अभी आज का मार्केट तो क्लोजिंग पे है और कल की बात करें तो आई थिंक मुझे लगता है कि ग्वार काफी पॉजिटिव रह सकता है, ग्वार के साथ साथ मसालों में भी निचले स्तरों पर खरीदारी लौट सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी की बात। तो बाजारों की चाल में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।